हमारे बगान का बरबट्टी है जिसको मम्मी बांट दे रही है नानी को और हमारे बस्ती वालों को। तो चलिए आज मैं आप लोग को हमारे बगान का सैर कराती हूँ। ओके, हमारा 3 बगान है। तो जैसे कि देखिए इधर साइड, मतलब जैसे कि देखिए मैं अभी बीच में खड़ी हूँ। इसके अभी हम लोग लेफ्ट साइड वाला जाएंगे और इधर है राइट साइड वाला, इधर है लेफ्ट साइड। ओके, तो चलिए अभी लेफ्ट साइड में चलते हैं। क्या क्या लगाए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है बरबट्टी, 30 लगा हुआ है गाइस। सकते हैं इधर जो है, इधर साइड पूरा उड़द लगा हुआ है, इधर पूरा लाइन में, इधर यहाँ से लेके इधर पूरा इधर उड़द लगा हुआ है गाइस। यहाँ तक यहाँ पे भी उड़द नहीं, बरबट्टी लगा है। और इधर साइड लगा है भिंडी, और इधर साइड काला बीज वाला बरबट्टी लगाए हैं, और उधर साइड खाली है। तो देखिए हम लोग का बगान इतना बड़ा है, और इधर साइड हमारा लोग खेल रहे हैं लूना के साथ। और मैं आ गई हूँ अभी राइट साइड वाले बाड़ी में। और आप लोग को कहाँ से शुरुआत करते हैं समझ नहीं आ रहा। इस लाइन में इधर तो कुछ नहीं लगा है, ए यहाँ से ये लगाए हैं टमाटर वगैरह। ओके, फिर से बरबट्टी लगाए हैं। तो गाइस इधर ना, मतलब पापा हमारे ही बगान में दूसरे लोगों को भी जगह दे दिए हैं अपना, मतलब बाड़ी बाड़ी में कुछ कुछ जगह सकते हैं बोल के हमारा बाड़ी में। तो फिर इधर साइड किसी किसी का है जो कि मुझे भी नहीं पता, बस्ती वालों का है। तो इधर लगाए हैं टमाटर, और इधर साइड पूरा इधर प्याज लगा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरे घर के बच्चे लोग आए हैं और ये इधर घास निकाल रहे हैं, घास निकाल रहे हैं। तो गाइस इधर साइड चना लगा है, तो मैं चना तोड़ के खा रही हूँ। साइड पूरा टमाटर लगा है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी हमारा है या दूसरों का है ये तो मुझे नहीं पता। में लगा है प्याज साग जो कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं उधर साइड किनारे किनारे फूल लगाई हूँ जिसको मैं रोज़ पानी देती हूँ, जैसे कि आप लोग को एक आध ब्लॉग में दिखने को मिला है। तो जैसे कि आप लोग को गाइस मैं दिखाना चाहती थी कि ये जो हमारा अप्रैल फूल है, इसको मैं 11th क्लास में मेरे को स्कूल में मिला था, जब मैं स्कूल पढ़ाई कर रही थी 11th में लॉयला स्कूल में, तो वहाँ पे मिला था, पौधा लगाने के लिए दिया गया था। तो मैं इसको यहाँ पे जगाई हूँ हमारे घर के बगान में, और मैं वहीं पे ना उसके जस्ट किनारे में, आप लोग को नहीं दिखेगा, वहाँ पे मैं ड्रैगन फ्रूट जगाई हूँ। और पापा लोग बाकी बाद में कुछ कुछ लेके आए ड्रैगन फ्रूट, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 4, और ये है। तो गाइस अभी ना मैं सब पूरा बगान को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी और 2 बगान बचा है। सॉरी मैं गलती हो गया था। ओके, हमारा 3 बगान नहीं है, हमारे घर के पीछे भी और एक बगान है, तो मैं उसको बताने भूल गई थी। तो मम्मी लोग तो अभी जैसे कि उधर हैं, वो तोड़ रहे हैं करेला, तो फिर मैं सोच रही हूँ दूसरे दिन शूट करूँगी। ओके आज मौसम ख़राब हो चुका है, तो आज ना इतना हवा चल रहा है, पानी भी थोड़ा बहुत आया, तो मैं अभी जाती हूँ खाना बनाने के लिए। ओके, तो मिलते हैं कल। हेलो क्यूटीज़, आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज ही दूसरा दिन है, तो चलिए अब भी मैं जाऊंगी अलमारी का कपड़ा को सरियाने के लिए। तो कल का व्लॉग तो हवा पानी के चलते अधूरा रह गया, लेकिन आज मैं इस व्लॉग को पूरा करूंगी। ओके, तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। पूरा ये देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा है, अनुअर मेरा, इधर पापा का है, मम्मी का भी है, साथ में उधर कुछ कुछ है, और इधर भी मम्मी का है। हाँ।
हमने सोए हैं, हमने जागे हैं, ये हम तुझे अपना सा लागे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं अभी अपने बगान के की शेयर कराने वाली हूँ, जो कि हमारे घर के पीछे का बगान है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ गाइस। तो ये देखिए, इधर फर्श बीन लगा हुआ है, जिसको मैं एक दिन सब्जी बनाई थी। और ये है इधर टमाटर, वहाँ पे भी फर्श बीन है, वो है करेला, और ये है आम का पेड़ जो कि अपने सूख गया है। और ये उधर बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, और ये इधर ऐसा है। ओके, तो उधर साइड मेथी वगैरह लगाए थे, मेथी और इधर कुछ कुछ लगाए थे, फूलगोभी वगैरह, तो वो अभी तो नहीं रहा। और उधर साइड एक बार मैं आप लोग को दिखाई थी ना, कि इधर वो है, मतलब मेथी तोड़ने आई थी और वो वाला साग तोड़ने आई थी, वो वाला देखिए, उसको बोलते हैं विदेशी पालक। अभी हम पके हुए टमाटर तोड़ते हैं। ओके, ये वाला जो कुछ कुछ अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टमाटर हो गया है ना, कि खाने के लिए एकदम ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोग मतलब सड़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है टमाटर। गाइस, अभी हम लोग खा रहे हैं ये अंगूर जो कि बहुत मीठा है। पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके, स्ट्रेट बनाना है कि सीधा? अच्छा लग रहा है, जो एंगल से अच्छा लग रहा है, जो देखें। पूरा वीडियो ध्यान की तरफ दे। हाँ, मैं पूरा वीडियो ध्यान ही तरफ दे रही हूँ, पूरा वीडियो की तरफ ही ध्यान कर रही हूँ। चलो अच्छा से तोड़ना, थोड़ा सा अच्छा हाथ दिखेगा तेरा। तो ये देखिए गाइस, पूरा हाँ। और ये भी देखिए, ये लूसी भी तोड़ने जा रही है। ऐसी पकड़ के करती है। हम दिखाएंगे इस वाले बगान का सीन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मुर्गी वगैरह पाले हैं, जो कि मुर्गी घर ये है। चलिए अभी इसको बंद कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे लगाई हूँ अनार, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये है अनार। और आप लोग को दिखाते हैं, ये इधर साइड है लकड़ी घर, और ये है इधर साइड का ये नज़ारा। इस बाड़ी में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लगाए हैं, यहाँ पे पहले वो हिरमिच्चा साग था, मुचरी भाजी जिसको बोलते हैं, और एक इसका नाम है कड़वा जो रहता है, तीता साग, हाँ ये बोलते हैं। और आप लोग इधर देख सकते हैं, करी पत्ता, अमरूद, पपीता, ये है पेड़, और ये है बरबट्टी, और इधर साइड बैगन वगैरह है। चलो आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि, तो ये देखिए ऐसा है, ये है करेला, और ये है कुंदरू। ओके, कुंदरू तो फला है, यहाँ देखिए, यहाँ कुंदरू फला है। ओके, कुंदरू फला है, और इधर साइड यहाँ पे भी है करेला। और ये देखिए, इस ये है पूरा बाड़ी का नज़ारा, बगान का नज़ारा। आज इधर से सनसेट हो रहा है, तो कितना अच्छा दिख रहा है। और वो है हमारा मुनगा का पेड़। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा वो लगाए, हम लोग अरहर लगाए हैं। ओके, अरहर, ये देखिए इसका फल, ये फल, इतना ब्लर क्यों हो जा रहा है भाई, ये है फल। ओके, कैप्चर नहीं कर पा रहे थोड़ा। और ये देखिए, ये हमारा मुनगा पेड़, जो कि एक लौता है इस बाड़ी में। और ये भी अरहर है, और ये देखिए पपीता, और वो रहा हमारा, वो है क्या बोलते हैं, चंदन का पेड़।
रेड चंदन, ओके, रेड चंदन का पेड़, ये है नीम का पेड़ इधर, और आप लोग को क्या दिखाऊँ मैं, और वो है जी गंभीर बोलते हैं हमारे साइड, और ये है जो फूल, इसको लेके आए थे हम लोग बाहर से, इसको फूल लगाए हैं, इसका पेड़ बन गया, और बाकी इधर साइड वही है। तो ये देखिए पूरा हमारे बाड़ी का नज़ारा, ओके गाइस, पूरा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके बाय।